रक्षाबंधन के अवसर पर आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मैं दिशा उपाध्याय का पौवी। और ये जो आज दिखाने वाली हूँ आपको किस तरह से आप राखी की थाली सजा सकते हैं, तो ये बेसिकली कभी एक प्लेन थाली आपने ले ली हो तो घर में ही कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा आपके पास, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ, तो इसको इस तरीके से सजा सकते हैं कि थोड़े कलरफुल फ्लावर्स हो तो उसको डिवाइड करके इस तरह। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो ये बहुत ही बेसिक डेकोरेशन हो जाता है और चीजें भी इजीली अवेलेबल होंगी, आपके घर में मिल जाएंगी, कहीं बाहर दुकान पे बाजार में मिल जाएंगी। के बीच में कहीं आप चाहें तो ऐसा कुछ गोल्डन या फिर कोई ऑफ कलर का हो, उसके कंट्रास्ट में कहीं पे ये लगा दिया आपने, तो इस तरह से हो जाएगी। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये जो है स्टार के स्टिकर्स लगा सकते हैं यहाँ पे। रोजेस हैं हमारे पास, तो इसमें से भी चाहे तो आप रोजेस लगा सकते हैं निकाल कर। इस तरीके से इसको चिपका लिया, उसके बाद इसके नीचे यहाँ से ग्लू लगा लें। ये सारी राखियाँ हैं, आप से रख लीजिए यहाँ पे। और ये दिया आप चाहे तो सेंटर में भी सजा सकते हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया डेकोरेट करके ये थाली बन सकती है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से आपके घर में कहीं कुछ चीज़ें हो या कुछ डेकोर का सामान पड़ा हो तो उसको भी आप ऐड करके बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटर बना सकते हैं राखी के लिए।